नमस्कार, जय हिंद प्यारे ईपीएस पेंशन धारकों, आपके लिए बहुत अच्छी अपडेट आ रही है। 65 लाख पेंशन भोगी है उनसे जुड़ी है, बहुत ही बड़ी अपडेट है। पीएम मोदी अभी लाइव है और सभी पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा यानी कि तोहफा देते हुए सभी पेंशन धारकों की जो ईपीएस पेंशन है उसे 9000 प्लस डीए को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है। तो उसके बारे में पूरी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी देने वाले, तो वीडियो को आप आखिर तक ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर भी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आपको बता देते हैं, ईपीएस पेंशनधारकों आपके लिए गुड न्यूज़ है। ईपीएस पेंशनधारकों के लिए ईपीएफओ ने बहुत ही बड़ी अपडेट जारी की है और मोदी सरकार की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। दोनों अपडेट इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप वीडियो को आखिर तक पूरा ध्यान से देखिए। आखिर आपकी पेंशन बढ़ोतरी कितनी हुई है उसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी मिलेगी। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है, जल्दी आपको पेंशन मिलेगी 7500 रुपये से बढ़ करके आपको 8500 रुपये। सरकार ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है, या आप लिस्ट भी देख सकते हैं, ये लिस्ट भी जारी कर दी गई है। ये लिस्ट आप कैसे देख पाएंगे उसके बारे में वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप आखिर तक पूरा ध्यान से देखिए। तो मैं आपसे यानी कि रिक्वेस्ट बार बार करता हूं, आपको पूरी जानकारी मिले। तो आपको बता देते हैं, पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। कल सरकार ने 5 बजे यानी कि आदेश जारी किया और सभी पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो मांगे रखी गई थी वो पूरी होती नजर आ रही है। यानी कि कल सीबीटी की मीटिंग में लिया गया एक बहुत ही बड़ा फैसला, पेंशनधारकों के लिए बहुत ही यानी कि अच्छी बात है। सभी पेंशनधारकों को जो अब पेंशन है वो बढ़कर मिलेगी। पेंशन जो यानी कि उसके लिए जो पेंशन ईपीएस पाते हैं उन सभी के लिए बहुत राहत भरी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता देते हैं, ये आपकी जो पेंशन है ईपीएस वो आपके यानी कि कौन सी डेट से आएगी उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। 15 तारीख से सभी के खातों में आएगी पेंशन 7500 रुपये से बढ़ करके यानी कि 8500 रुपये। और अब खातों में सरकार के द्वारा इस फैसले पर मोहर लगी। कमांडर अशोक रावत ने कहा है कि मैं इस फैसले को लेकर बहुत ही खुश हूँ, जल्दी ईपीएस पेंशनधारकों के खातों में जो पेंशन है वो भी आना लगेगी। और आपको बता देते हैं, आखिरी पूरा अपडेट है वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, तो आप वीडियो को आखिर तक पूरा देखिए और भी आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली। अब पेंशनधारकों को पेंशन है 7500 रुपये से बढ़ करके 8500 रुपये करने की बात कही जा रही है। कल सीबीटी की मीटिंग में बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया, बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि पेंशनधारकों को अब भटकने की जरूरत नहीं होगी। जल्दी पेंशन भोगियों के खातों में पेंशन आने लगेगी और आपको बता दें, साथ ही आपको मेडिकल सुविधा का बहुत ही अच्छा आपको यानी कि लाभ मिलेगा। ये फैसले कल सीबीटी की बैठक में बहुत ही बड़े फैसले लिए गए। ये फैसले आप सभी के लिए बहुत ही यानी कि राहत भरे हैं, सभी को इसका पेंशनधारकों को इसका लाभ अच्छा मिलेगा। तो ऐसे ही ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी और नई नई अपडेट पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नई नई जो ईपीएस पेंशन से जुड़ी अपडेट होगी उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगा।